2024 में कैपिटल स्मार्टी में लाइव को किस तरह ऑपरेशन किया जाएगा उसके मैं कुछ आपको एज्जाम्पल्स देता हूँ राइट right नाउ में कैपिटल स्मार्टी गोल्फ कोर्स में मौजूद हूँ गोल्फ कोर्स के बाहर ये आपको एक मार्की बनी हुई नजर आ रही है इनफैक्ट मैं ट्राई करूँगा मैं अंदर जाकर आपको अंदर की डिटेल भी दिखा दूँ पहले मैं आपको एक्सरियर एक्सप्लेन कर दूँ ये एटलीस्ट अठारह किनार में बनी हुई मार्की है और इसके लेफ्ट साइड पर ये सारा एरिया जो बनता है चार सौ फीट रोड की प्रेमिसज है जो आपको पीछे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा है फॉक की वजह से इतना क्लियर नहीं है लेकिन आपको फिर भी कुछ हद तक विजिबिलिटी मिल रही होगी जहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं अब इसके बिल्कुल सामने ये जो कुछ आपको लाइंस लगी हुई नज़र आ रही हैं ये पार्किंग की लाइंस हैं अब यहाँ पे पार्किंग एरिया कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जिसको मुकम्मल किया जाएगा अब आज की डेट देख लें और आने वाले दिनों में देखिएगा तकरीबन महीने डेट के अंदर ये वाला एरिया भी मुकम्मल होगा जहाँ तक बात है मार्केट के स्ट्रक्चर की इस मार्केट की यहाँ पर ज़रूरत क्या थी कि जब स्मार्ट सिटी की साइड पर लोग रहते भी नहीं हैं अभी लेकिन फिर भी इस तरह की इवेंट कॉम्प्लेक्स पे इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत क्या थी तो सबसे बड़ी एग्जांपल उसकी ये है कि अभी आने वाले दिनों में आपको 2024 में स्मार्ट सिटी के अंदर अप्रॉक्सीमेट जो 1000 घर बने हैं और बाकी जो सैकड़ों अपार्टमेंट्स बने हैं जैसे कि बाईस कनाल की एक बिल्डिंग है जिसमें ग्राउंड प्लस टेन की जिसमें अपार्टमेंट्स हैं सिर्फ उसके अलावा लेक व्यू कमर्शल हैं वहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं या डिफरेंट जो विलास बने हुए हैं जहाँ पर आबादी आएगी तो उनके लिए इस स्मारकी की ज़रूरत क्या थी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कह लें कि एक्सपेंस है कंस्ट्रक्शन वाइज लेकिन फिर भी स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट से क्यों किया रीज़न सबसे पहले कि आने वाले दिनों में जब 2024 में स्मार्ट सिटी के मोस्टली अपने कंपनी के जितने इवेंट्स होंगे वो स्मार्ट सिटी के गोल्फ़ कोर्स के अंदर होंगे इसी मार्की के अंदर यहाँ पर उसके साथ साथ स्मार्ट सिटी ने जो सबसे बड़ा नया कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में लाया है जो उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था सिलिकॉन विलेज का सिलिकॉन विलेज जो है ना वो बेसिकली एक 2400 फोर कनाल का एक एरिया है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑफिसज होंगे अब उस चौबीस सौ किनाल के एरिया में जो ऑफिसेज़ बनाए जाएंगे उन ऑफिस के लिए जाहिर सी बात है अभी सिक्सटीन कंपनीज ऐसी हैं जिनको स्टार्टअप्स के लिए जगह दे दी गई है वो जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अपनी स्टार्टअप की तो मुकम्मल करेंगे और प्लस जो इनक्यूबेशन सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर ऑलरेडी ऑपरेशन हैं जब वो अपने कॉरपोरेट इवेंट्स करेंगे तो उनको इस स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो इसलिए स्मार्ट नीड्स को देखते हुए उनकी डिमांड को देखते हुए इस कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल किया है और इसके मल्टीपल हॉल्स हैं मैं आपको एक हॉल का विजिट करवाता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल सके कि स्मार्ट सिटी कितने मैसिव स्केल पे प्लानिंग कर रहा है अभी आपको एक ज़्यादा सुनाई देगी क्योंकि खाली हॉल है तो डेफिनेटली वो आवाज़ का भी सराउंड करेगी दूसरे हॉल के लिए इधर से जगह जाती है ये जो आपको कमरा है फिर इसके अलावा एक इस तरफ हॉल है ये 18 कनाल का कंस्ट्रक्टेड एरिया या से भी ज़्यादा होगा अभी मैंने वो बार आर्किटेक्ट थे इंजीनियर थे एक बेसिकली साइट सुपरवाइज़र थे उनसे पूछा तो क्या पता हुआ किसकी बात करेंगे उन्होंने कहा कि अठाना कनाल का है हाँ ये इमेजिन करें कि दो के एंड तक ये सारा एरिया मुकम्मल ऑपरेशनलाइज हुआ हो और यहाँ पर इवेंट्स हो रहे हों यहाँ पर प्रॉपर लाइफ हो और आपकी प्लाट्स की फिर भी इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल हो जैसे कि रिसेंटली पोजैशनबल डील आई है यहाँ भी जो इंस्टॉलमेंट प्लॉट अवेलेबल हैं रीसेल वाले प्लॉट भी इंस्टॉलमेंट अवेलेबल हैं कैश भी प्लॉट है लेकिन एनी केस आपको मुकम्मल पेमेंट ना करने के बावजूद यहाँ पे कब्जा मिल रहा है तो साथ आपको ऐसी फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं अब मैं आपको दूसरे हॉल का विजिट करता लेकिन बिल्टी बहुत लेंथी हो जाएगी जरूरत नहीं है मैं एंडिंग पार्ट को दिखाता हूँ एंडिंग पार्ट में वो पीछे सर गार्ड्स भी बैठे हुए हैं ये पीछे सारे प्रिंसेस गोल्फ़ कोर्स की हैं तो इतना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना जब एक भी रिहायशी यहाँ मौजूद ना हो यह सारा स्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये कैपिटल स्मार्ट सिटी की जाती मलकियत है इसको किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आउटसोर्स करके किसी और थर्ड पार्टी ने कंस्ट्रक्ट करके नहीं बनाया ये इट्सल्फ स्मार्ट सिटी की ज़ाती प्रॉपर्टी है